नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मालती शर्मा पर। हरितालिका तीज का व्रत आने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सन 2019 में हरितालिका तीज का व्रत कब है और उसको मनाने की विधि क्या है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर ले और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूले, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हरितालिका तीज का व्रत भादो मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में गौरी शंकर जी की पूजा करके मनाया जाता है। इस साल हरितालिका तीज का व्रत 2 सितंबर यानी सोमवार को मनाया जाएगा, पर कुछ खास कारणों के कारण कई लोग इसको 1 सितंबर को भी मना रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि को ही इस व्रत को करना उत्तम माना गया है। अगर इस बात को ध्यान में रखें तो 2 सितंबर सोमवार को ही इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए रखा था। जब माता पार्वती जी शिव जी भगवान को पति रूप में पाने के लिए उपासना कर रही थी तो उनकी सहेलियों ने उनका हरण कर लिया, इसीलिए इसका नाम हरितालिका तीज पड़ा। ये निर्जला उपवास है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सभी प्रकार की औरतें कर सकती हैं, सुहागन पति की लंबी उम्र के लिए, विधवा अगले जन्म में सुख पाने के लिए और लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए। इस उपवास को एक बार शुरू करके फिर बीच में छोड़ा नहीं जाता। यदि किसी कारणवश कोई बीमारी की हालत में या वृद्ध अवस्था में इस व्रत को ना कर सके तो फिर बड़े विधि विधान के साथ वो किसी दूसरे इंसान को इस व्रत को दे सकता है। सुबह नित्य कर्मों से निर्वृत होकर नहा धोकर माता पार्वती जी के समक्ष जाकर व्रत शुरू करने का संकल्प ले। ये व्रत प्रदोष काल में किया जाता है। जब दोनों समय मिलते हैं तो शाम को पूजन किया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण किया जाता है। ये व्रत सभी औरतें मिलजुल कर इकट्ठी होकर किसी मंदिर, धर्मशाला या किसी के घर पर करती हैं। शाम को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर बालू रेत से शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां बनाकर किया जाता है। फुलेरा बांधते हैं, उसके नीचे एक चौकी रखकर उस पर रंगोली बनाई जाती है। फिर उस पर केले के पत्ते रखकर शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्तियों को विराजमान करते हैं। फुलेरे को 6 प्रकार की पत्तियों से सजाया जाता है। उसके बाद कलश का पूजन हल्दी कुमकुम लगाकर किया जाता है। उसके बाद शिव जी और गौरी माता का पूजन करके उनको सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान को तौलिया या धोती अर्पित करते हैं। इस प्रकार शाम को प्रदोष काल से शुरू करके रात्रि के 3 पहर और सुबह 5 बार घूम छोड़ते हैं। उसके बाद हरितालिका तीज की कथा पढ़ी जाती है, परिक्रमा लगाई जाती है और भगवान की आरती करते हैं। इस प्रकार रात्रि जागरण करने के बाद माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाते हैं और ककड़ी तथा मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। ये है हरितालिका तीज की पूजा और विधि। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी और फिर मैं अगले एपिसोड में हरितालिका तीज की कथा सुनाऊंगी। सुनना मत भूलिए। थैंक यू।